आज हम सब्जेक्ट कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स के 7 चैप्टर सिंपल मशीन में इको न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है इन अ सिंपल मशीन विद वेलोसिटी रेशियो ऑफ 40। एक साधारण मशीन जिसका मशीन की गति या वेगानुपात दिया हुआ है हमें 40, एन एफर्ट ऑफ 200 न्यूटन लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 2400 न्यूटन। एक 200 न्यूटन का हमें आयास दिया गया है जो कि 2400 न्यूटन का भार उठाता है। एंड एन एफर्ट ऑफ 240 न्यूटन लिफ्ट्स लोड ऑफ 3200 न्यूटन। एक हमें दूसरा आयास दिया है 240 न्यूटन का जो भार उठाता है 3200 न्यूटन का। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन्स। इन दिए गए आयास और भार के दो साइड से हमें इस मशीन के लिए मशीन का नियम निकालना है और कैलकुलेट द लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाय एन एफर्ट ऑफ 300 न्यूटन और उस भार की गणना करनी है जो तीसरे आयास 300 न्यूटन से उठाया जा सकता है। आल्सो फाइंड इस दिए गए भार और आयास के लिए हमें निकालना है एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। आयास की हानि घर्षण के कारण जो होगी, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ, एफिशिएंसी दक्षता, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस घर्षण प्रतिरोध अर्थात लॉस इन द लोड ड्यू टू फ्रिक्शन, भार में जो घर्षण के कारण हानि हुई है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ मशीन अधिकतम दक्षता मशीन की, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज अधिकतम यांत्रिक लाभ। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ था। हमें दिया है VR वेलोसिटी रेशियो 40, P1 और आयास और भार का पहला सेट हमें दिया है P1 200 न्यूटन, W1 2400 न्यूटन। दूसरा सेट हमें दिया है P2 W2, इसमें P2 है 240 न्यूटन और W2 है 3200 न्यूटन। इससे हमें निकालना है लॉ ऑफ मशीन। फिर उसकी सहायता से हमें निकालना है P3 तीसरे आयास 300 न्यूटन के लिए W3 यानी तीसरे 300 न्यूटन आयास से उठाई जाने वाला भार। उसके बाद इस W3 और P3 के हमें निकालना है LP लॉस इन P ड्यू टू फ्रिक्शन, MA मैकेनिकल एडवांटेज, नीटा एफिशिएंसी, LW और W फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शनल प्रतिरोध यानी कि घर्षण के कारण जो भार कम उठाया गया या घर्षण के कारण भार में हानि, नीटा मैक्स अधिकतम दक्षता और एम ए मैक्स अधिकतम यांत्रिक लाभ। सबसे पहले हम देखते हैं यंत्र का नियम या मशीन का नियम की इक्वेशन होती है वास्तविक मशीन के लिए P=MW+C। यहाँ हमारे पास पी और डब्ल्यू के दो सेट हैं, उन दोनों की वैल्यू रख के हम दो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, एक में से दूसरे को माइनस करके हम इस तरीके से सॉल्व करके पी एम और सी का मान निकाल सकते हैं जो हमने इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में किया था। आज हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, हम डायरेक्ट एम का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो एम इक्वल्स टू मशीन के नियम में हमने पढ़ा था क्या होता है, P2 - P1 / W2 - W1। तो एम हमारा आया, हमने पी टू का मान रखा 240 न्यूटन माइनस P1 200 न्यूटन अपॉन W2 हमारा था 3200 और W1 था हमारा 2400 न्यूटन। इससे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आया 0.05। अगर हम इक्वेशन जो है हमारी मशीन और लॉ ऑफ मशीन, इसमें अगर हम पी और डब्ल्यू के मान रख के दो इक्वेशन निकालेंगे तो उस तरीके से भी हम सॉल्व करके एम का मान निकाल सकते हैं। अब सी का मान निकालने के लिए हम इक्वेशन लॉ ऑफ मशीन से देखते हैं C = क्या होगा, P - MW। अब इसमें पी और डब्ल्यू का मान या तो हम P1 और W1 का भी रख सकते हैं या P2 या W2 का। तो हमने P1 और उसके रेस्पेक्ट में W1 का मान रखा, P1 है हमारा 200 और W1 है 2400। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास C आया 80। तो हमारा लॉ ऑफ मशीन हो गया P = 0.05 W जो हमारी M की वैल्यू थी प्लस C हमारी आई है 80। ये हमारे पास आ गया मशीन का नियम। अब इसमें हम P का मान रख के W का मान निकाल सकते हैं और दिए गए W का मान रख के P का मान निकाल सकते हैं। तो सेकंड हमसे क्वेश्चन में पूछा है तीसरा आयास है हमारा 300 न्यूटन, इसके लिए W का मान क्या होगा।
तो हमारा डब्ल्यू का मान होगा, ये इक्वेशन है हमारी पी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू प्लस सी, इससे हमारे डब्ल्यू का मान होगा, ये सी उधर जाएगा, पी माइनस सी अपॉन एम, पी माइनस सी अपॉन एम, तो पी हमें दिया है 300 न्यूटन, माइनस सी हमारा आया था 80, सी क्या है, ये एक अचर है जो घर्षण के कारण आयास में हानि होती है, अपॉन एम, एम का मान हमारा आया था 0.05, तो W3 हमारा आ गया 4400 न्यूटन। अब हमें निकालना है LP, लॉस इन P ड्यू टू फ्रिक्शन, आयास में हानि घर्षण के कारण क्या होती है, वास्तविक आयास जो कि ज़्यादा होता है वास्तविक परिस्थितियों में लगाया गया आयास, माइनस P आइडियल आदर्श आयास। ये हमने मशीन में हानि फ्रिक्शन, मशीन में घर्षण के कारण हानि टॉपिक में पढ़ा था, पी आई इक्वल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन वी आर, तो डब्ल्यू का मान कितना दिया निकाला था हमने 4400 न्यूटन, और वी आर हमारा सेम रहेगा पूरे क्वेश्चन में एक मशीन के लिए, तो वी आर हमारा था 40, इसको सॉल्व करने पे हमारा एल पी आया 190 न्यूटन। नेक्स्ट हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, जिसका सब हर मशीन के लिए एक ही फॉर्मूला है, भार उठाया गया भार अपॉन लगाया गया आयास। अब हमें ये हमारे पास भार और आयास के तीन सेट हैं, हमें ये तीसरे सेट के लिए निकालना है, तो तीसरे में हमने कैलकुलेट किया था नंबर टू पे हमारा W3 आया था 4400 न्यूटन अपॉन हमारा P3 था 300 न्यूटन। ये अलग अलग भार और आयास के सेट के लिए अलग अलग आएगा, लेकिन VR सबके लिए एक ही रहेगा, ये एक मशीन के लिए अचर राशि होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आया 14.67, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है नीटा एफिशिएंसी, मशीन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एम ए अपॉन वी आर, एम ए हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था, हमारा आया था 14.67 और वी आर हमारा है 40, तो इसको डिवाइड किया तो हमारी एफिशिएंसी आई 0.367 इकाई के स्केल पर, अर्थात जब मशीन की दक्षता मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 0, अगर हम इसे परसेंटेज में निकाले तो इनटू 100% करने पर हमारी नीटा इन परसेंटेज आई 36.7%। नेक्स्ट हमें निकालना था एल डब्ल्यू, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, घर्षण प्रतिरोध या लॉस इन डब्ल्यू ड्यू टू फ्रिक्शन, भार में हानि घर्षण के कारण, वास्तविक परिस्थितियों में उठाए जाने वाला भार W, आदर्श परिस्थितियों में उठाए जाने वाले भार WI से कम होगा, इसलिए हमारा लॉस इन फ्रिक्शन, लॉस इन लोड ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगा, WI माइनस जो कि अधिक होगा माइनस W जो कम होगा, तो WI हमारा क्या होता है PVR, P का मान कितना था हमारा 300 न्यूटन, V का मान, VR का मान 40, माइनस W कितना था P3 के लिए 4400 न्यूटन, तो इसको सॉल्व करने में हमारा एल डब्ल्यू आया 7600 न्यूटन। नेक्स्ट हमें निकालनी थी अधिकतम दक्षता, अधिकतम दक्षता कितनी होती है 1/MVR, M का ये M का मान हमारा आया था 0.05, VR का मान वेलोसिटी रेशियो का मान था 40, तो उसको सॉल्व किया तो हमारा मान आया नीटा मैक्स आई इकाई के स्केल पे 0.5, इसको 100% से मल्टीप्लाई करने पर अधिकतम दक्षता इन परसेंटेज हमारी आई 50%। अधिकतम यांत्रिक लाभ एम ए मैक्सिमम हमारा कितना होगा, एम ए मैक्स का फॉर्मूला होता है 1/M, इसमें हमने एम का मान रखा 0.05, ये हमने मशीन के नियम में निकाला था, तो एम ए मैक्स हमारा आ गया 20। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया। थैंक यू।